आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। खबर इंदौर की है, जहां केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर कई मूल्य वृद्धि में नाराज होकर शहर कांग्रेस महिलाओं द्वारा इंदौर के रजवाड़े पर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस महिलाओं ने रजवाड़े पर इकट्ठा होकर गैस की टिक्की अर्थी बनाकर जमकर नारेबाजी की। वहीं चकला बेलन के साथ सिगड़ी पर रोटी बनाकर केंद्र सरकार की बढ़ाई गैस मूल्य वृद्धि का विरोध किया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस महिलाओं का कहना है कि जब से शिवराज सरकार और मोदी सरकार आई है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ ही कहा कि जहां कांग्रेस सरकार में गैस की कीमतें 350 रुपए हुआ करती थी, आज 1000 के पार हो गई हैं। हर गृहिणी महिला का रसोई बजट बिगड़ गया है। जिस तरह से शिवराज सरकार और मोदी सरकार आए दिन महंगाई को आसमान को छूती जा रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज गैस के भाव कांग्रेस की सरकार में 370 थे, आज 1150 हो गए। हर महिला का एक घर का बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है। उसके विरोध में हम आज यहाँ पर गैस के अर्थी बनाई है हमने और सिगड़ी पे रोटी बनाई है। हम कहते हैं कि मामा आप तोहफे की बात करते हो, इधर लाडली बहना की बात करते हो और उधर आप लाडली बहना की थाली से रोटी छीन रहे हो। आप उधर उज्ज्वला योजना में आप फ्री में टंकी की देने की बात करते हो और इधर हर महिला जो उज्ज्वला योजना में जिनको टंकी मिली थी, आज वो घर में ताला लगा के उनने टंकी रख दी है क्योंकि रिफिल कर भरा नहीं पा रही है महिलाएं। तो आज महिला जिस किस परिस्थितियों से गुजर रही है, तो उन सबको लेकर आज हमने सारी वरिष्ठ महिला ने मिलकर ये कार्यक्रम किया यहाँ पर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।